नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी और मैं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश अभी पीड़ित है, चिंतित है इस बात को लेकर कि कोरोना वायरस आ चुका है, भारत के अंदर भी प्रवेश कर चुका है, अब आगे क्या होने वाला है। भारत सरकार ने भी कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसे हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस जो है हो चुका है, इसके क्या क्या लक्षण है, अगर इसके बचने के क्या क्या उपाय, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो नॉर्मल रूप से सीजनली लक्षण हैं जो कि सर्दी के समय होते हैं, जैसे कि खांसी, सर्दी, जुकाम आना, बुखार आना। तो इसमें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि क्या उन्हें जो है कोरोना वायरस से पीड़ित वो हो चुके हैं या फिर उन्हें नॉर्मल है। तो यही सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उन भाइयों से जो है एक निर्देश है, जो लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं कोरोना वायरस के ऊपर मजाक करते हैं, तो भाई पहले ही बता दूं कि ये कोई मजाक की घड़ी नहीं है और इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि शायद आपको अनुभव भी नहीं होगा कि अगर कोरोना वायरस ने भारत में अगर तीसरा स्टेज ले लिया तो लाशें बिक जाएगी लाशें, इसका आपको अनुभव भी नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जो है YouTube पे जो है इटली का, चीन का वीडियो जो है देख सकते हैं। प्रतिदिन की बात करें तो लगभग जो है 700, 500, 1000 लोग मारे जाते हैं वहाँ सिर्फ इस वायरस से। और एक बात बता दूं कि इटली जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे आता है चिकित्सक के मामले में, और भारत जो है लगभग 112वें स्थान पे आता है। तो सोच सकते हैं कि जिस इटली ने जो है हाथ खड़े कर दिए कोरोना के सामने, भारत तो 112वें स्थान पे आता है। खैर, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुका है वो, तो क्या क्या लक्षण हैं और उसके बचने के क्या उपाय हैं और हो जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। जैसे कि नॉर्मली होता क्या है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, ये एक नॉर्मली है जो कि हर एक सीजन में होता है, ये फ्लू के लक्षण है। कोरोना वायरस में भी सेम पाया जाता है, तो इसे पकड़ पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए जो है आप जान सकते हैं। पहला तो ये कि सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरीके से जो है नॉर्मली आपको जो है फील होने लगेगा, किससे लगेगा, जैसे कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल जो है ऐसा लगेगा घटता हुआ जा रहा है। दूसरा लक्षण है जैसे कि कोई नॉर्मली आदमी जो है 30 से 45 सेकेंड जो है जो अपने सांस को रोक सकता है लेने के बाद, लेकिन जिनको ये बीमारी हो चुका है, जिनको कोरोना वायरस ने ग्रसित कर लिया है, वो लोग 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रोक सकते। ये देखिए, हमने यहाँ पे निकाल दिया है टाइमर। अब हम यहाँ पे जो है खुद का चेक करेंगे कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सांस को रोकते हैं। सेकेंड जो है हमने इस सांस को रोका, तो आप भी जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। खुदा ना खास अगर आपको जो है ये लक्षण पाए जाते हैं या आपके किसी आस पड़ोस में हैं, तो आप जो है डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से मिलें, बिना डॉक्टर के जांच के जो है आप इस तरीके कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। और अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए कि इनसे जो है कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान दें, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अलर्ट जारी किया है कि आप जो है 10 दिन तक घर में ही रहें, तो यार रहो ना घर में, क्यों उछल कूद कर रहे हो। हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि नौकरी है, बिजनेस है, ये काम है, वो काम है, यार ज़िंदगी रहेगी तभी तो सारे काम करोगे, जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या करोगे। कभी बाय चांस इमरजेंसी में जाना पड़े तो ध्यान रहे भीड़ भाड़ इलाके में तो बिल्कुल भी ना जाए, जैसे हॉस्पिटल भी हो सकता है भीड़ भाड़ इलाके में। और मास्क, खासकर मास्क वो लोग पहने जिनको थोड़ा सा भी सर्दी महसूस हो रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमें जो है इस तरीके का लक्षण है। नॉर्मली आदमी के लिए मास्क कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सैनिटाइजर आप ज़रूर रखें। किसी से भी बात करने से जो है पहले 1.5 मीटर तक जो है 1.5 मीटर की दूरी 1 से 1.5 मीटर का ज़रूर बना के रखें। दूसरी बात, आप किसी भी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं तो आप जो है
जैसे टेबल हो गया, या फिर आपने जो है कि कहीं पे किसी का दरवाजा आपने खींचा खोला, यानी किसी भी चीज़ पे आप हाथ लगा रहे हैं, इवन आप बाइक पे हाथ लगा रहे हैं किसी का, तो यार हमने तो कहीं हाथ नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं सोचना है। सैनिटाइजर जो है यूज़ कर रहा है, हाथ में टच होने से नहीं जो है वायरस आपको ग्रसित कर लेगा। तो ऐसे आप आँख नाक या मुँह छूते हैं तो वायरस जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो आपको जो है सैनिटाइजर से धो लेना। लेकिन उससे भी बेहतर क्या होगा कि अगर आपके पास हैंड वाश है, साबुन है, उसका इस्तेमाल करें, हाथ धो, अच्छी से धोए और यहाँ तक धोए। छोटा सा मैसेज गवर्नमेंट के लिए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 10 दिन के लिए शटडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है सिटीज़ को, लेकिन वो लोग तो सुरक्षित हैं जो लोग घर में टीवी देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास घर नहीं है। चलो कहीं पर भी वो झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे होंगे, लेकिन उनका डेली का इनकम है, उनका क्या खाने का व्यवस्था कैसे हो। तो गवर्नमेंट से भी ये चीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों जो है भोजन का प्रबंध ज़रूर करें, क्योंकि अगर 10 दिन 15 दिन रहे ऐसे में तो वो भूखे मर जाएंगे। हम जैसे लोगों के आसपास अगर इस तरीके का व्यक्ति है तो उसे आप ज़रूर भोजन प्रोवाइड करें। दूसरा मैसेज गवर्नमेंट के लिए ये है कि जैसे कि जितनी भी दुकान शॉप या कंपनियां या रेस्टोरेंट जो भी थे वो सभी जो है बंद हो गए, अच्छी बात है। उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वहाँ के जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें जो है बेहतर नहीं रुकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी गरीब हैं, अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से जो है वो अपना भोजन चलाएंगे आगे। लेकिन साथ ही में उनको एक प्लस और भी जोड़ना चाहिए था, जिन्होंने किराए पे रेंट पे ले रखा है, 3 लाख रुपए किराया दे रहे हैं रेंट, कोई 20,000 रुपए किराया दे रहा है, कोई 50,000 रुपए दे रहा है, चाहे शॉप दुकान या मकान किसी चीज़ की भी बात करें, चाहे वो ऑनर ही हो, लेकिन सभी ऑनर जो है करोड़पति नहीं होते, टाटा बिरला नहीं होते, वो भी जो है कमाई का जरिए कमाते हैं, तभी जो है वो कर्मचारी को भी देते हैं और पीछे जो दुकान का किराया है उन्हें भी देते हैं। तो एक जो है अलर्ट ये भी जारी करें कि जो मकान में रह रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनको किराया ना देना पड़े मार्च का, और जो जो रेंट पे ले रखे हैं जिन्होंने, जो 20,000 हो या 50,000 हो या 10,000 हो, ले उन्हें जो है रेंट ना देना पड़े ओनर को, क्या कि दोनों तरह से नुकसान जो है वो एक बीच में दुकानदार को ही मिलेगा, क्योंकि वो रेंट भी देगा, वो कर्मचारी को भी देगा, कर्मचारी को तो देना जायज बनता है, लेकिन वहां से जो है ये रेंट वाले को जो जा रहा है ना, ये चीज जो है वो सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में कि नुकसान जो है मकान मालिक को भी हो, मैं बीच में जो है ओनर को भी हो, और गरीब आदमी को बिल्कुल भी ना हो। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इससे जो है कुछ ना कुछ संदेश जरूर हासिल हुआ होगा, और इस वीडियो को ना लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो जो है काफ़ी जो है भाई बंधु तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी ऐसा डाउट लगता है आपके आसपास में जो है कोई विदेश से आया है, या फिर जो है कोई आपको लगता है कि ये बिल्कुल ग्रसित है आपके नज़रिए से, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, इन्हें जो है बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।